पुलिस डिपार्टमेंट कहाँ है, सोए हुए क्या? ये हलाल कट, दीपावली के टाइम में हलाल कट, झटका कट बोलकर लोगों को डिवाइड करने का जो काम कर ले करे, सोमन्ना जो मिनिस्टर है ये एक मिनट भी आगे बढ़ने के लिए लायक नहीं है, रिजाइन करना है। कट करते हैं जो भी जानवर, वो अल्लाह के नाम पे कट करते हैं, वो हम लोग काना नहीं, वो अल्लाह को रखा हुआ ऐसा कुछ मिसगाइड करते हैं, वो ऐसा नहीं है, ये सरासर गलत है। इनके पास कुछ एजेंडा नहीं है, एक तो डेवलपमेंट नहीं है, दूसरा क्या है, जो भी बजट में इन लोग बताए गए अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तीसरा 40% कमीशन ये लोग ले रहे हैं, पूरा कुल्लम कुल्ला हो गया। हिंदू मुस्लिम का इश्यूज लेके लोगों को डिवाइड करने का कोशिश करते हैं। दिस वीडियो प्रेजेंट बाय मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बारे हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। ये लास्ट वीक से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का स्टेट लीडरशिप, स्टेट प्रेसिडेंट का लीडरशिप में कल्याण कर्नाटक का एक दौरा कर रहे थे। हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग हमारे पार्टी के मीटिंग्स और उसके साथ साथ अलग अलग जिम्मेदारों को, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हेड्स को भी हम मिलते आ रहे हैं। तो कल्याण कर्नाटक का एक साथ डिस्ट्रिक्ट जो है बीदर, गुलबर्गा, यादगिर, विजयनगर, रायचूर और कोप्पड़ और बल्लारी, ये सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं देश में मोस्ट बैकवर्ड बोलकर कहा जाता है। तो जो कर्नाटक के 39 तालुका है जो मोस्ट बैकवर्ड, उसमें 21 जो है कल्याण कर्नाटक का, ये 7 जिले में जाता है। तो इसमें इतना रहने के बावजूद भी हर गवर्नमेंट, हर सरकार बजट अलोकेशन करता है, अलोकेशन बात करता है, मगर रियलिटी में वो जो ग्रांट से वो आता ही नहीं है। और जो ग्रांट आया वो ग्रांट में भी करप्शन का वजह से वो जो भी डेवलपमेंट वर्क है वो पेंडिंग होता है या स्लो होता है या करप्शन का वजह से स्टॉप होता है। करीब करीब 1.5 करोड़ जो आबादी है कल्याण कर्नाटक में, 2022 का बजट में 3000 करोड़ दिए हैं, मगर 3000 करोड़ में अभी तक ओनली 1300 करोड़ इसमें एक्शन प्लान हुआ है। ऑलरेडी ऑलमोस्ट बजट का पीरियड होके 8 मंथ्स हो गया, सिर्फ और सिर्फ अभी अगस्त में यानी 6 महीना हो गया बजट पास करके, अगस्त में 1300 करोड़ का एक एक्शन प्लान हुआ है। उस एक्शन प्लान में भी जो SC/ST का जो फंड आता है उसको मर्ज करके किया हुआ है। देखिए 2015 से लेकर 2019 तक टोटल जो ग्रांट रिलीज हुआ है 17,541 करोड़, टोटल ग्रांट अलॉटमेंट 2015-19 17,541 करोड़, उसमें जो कंप्लीट हुआ जो वर्क जो है ओनली 5,520 करोड़, इसमें क्या है ओनली 31% कंप्लीट हुआ है, यानी 5 ईयर्स में ओनली 31% जो अलॉटेड जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम में कंप्लीट हुआ है। तो उसमें आप देखिए इसमें भी अगर 40% कमीशन लिया जाता है तो क्या ऐसा क्या डेवलपमेंट होगा, ये हम देखना है। 2013-19 में जो एजुकेशन के लिए रिजर्व किया है जो अमाउंट है 646 करोड़, उसमें सिर्फ और सिर्फ 281 करोड़ यूटिलाइजेशन हुआ है। वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस डेवलपमेंट के लिए 54 करोड़ रिजर्व किया है, उसमें ओनली 32 करोड़ यानी यूटिलाइजेशन हुआ है। हेल्थ सेक्टर जो मोस्ट नेग्लेक्टेड सेक्टर ये जो कल्याण कर्नाटक में हेल्थ सेक्टर, उसमें 165 करोड़ रखा गया था, उसमें 112 करोड़ रिलीज हुआ है। रोड्स एंड ब्रिजेस के लिए 2,646 करोड़ रखा गया था, उसमें ओनली 1,626 करोड़ यूटिलाइजेशन हुआ है। तो इसमें ये मालूम होता है ये जो सरकार जो है एक करप्ट गवर्नमेंट ओनली भरोसा देते हैं, असल में जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। 15-16 का 1000 करोड़ स्पेशल बजट में ओनली 750 करोड़, 16-17 में भी यही है, 16-17 और 18-19 में भी 1000 करोड़ स्पेशल पैकेज में 500 करोड़ रिलीज हुआ है। और वेरी इंपॉर्टेंटली जो कल्याण कर्नाटक में जो एम्प्लॉयमेंट, स्पेशल एम्प्लॉयमेंट का जो रिक्रूटमेंट में भी ओनली अब तक 73% ही रीच हुआ है, वो 27% अभी भी बैकलॉग है।
तो इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये मांग करता है कि अगर आप कल्याण कर्नाटका बनाया, कल्याण कर्नाटका में एक बोर्ड भी बनाया, ये सब रहने के बावजूद भी एक ईमानदारी के साथ इस जो सात डिस्ट्रिक्ट को डेवलपमेंट करने के बारे में एक सीरियस कंसर्न नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बजट अलोकेशन करते हैं, जो बजट में एनुअल बजट में, उसके बाद वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, वो रिलीज़ नहीं होता, रिलीज़ हुआ तो भी कंप्लीट नहीं होता। मैंने ऑलरेडी बताया ओनली 31% ही आपका डेवलपमेंट वर्क में प्रोग्रेस है। तो इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये मांग करता है, ये जो कल्याण कर्नाटका का जितने भी ये जो प्रोजेक्ट है इसको 100% इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करना है। मैं अपील करता हूँ इधर का जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स है, इसमें सीरियस लेना है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में जाएंगे और अब आप झूठा भरोसा देंगे उसके बाद गायब हो जाएंगे, नहीं चलेगा, इसको डेवलपमेंट करना है। दूसरा बात, जो परसों जो होम क्या बोलते हैं मिनिस्टर हाउसिंग मिनिस्टर वी सोमन्ना, एक औरत उनका कुछ प्रॉब्लम लेके आए तो उनको थप्पड़ मारते हुए पूरा मीडिया में आया है, हम कंडम करते हैं। सोमन्ना जो मिनिस्टर है एक मिनट भी आगे बढ़ने के लिए लायक नहीं है, रिजाइन करना है। हम वो बोमाई जो चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका से मांग करते हैं, ऐसे जो औरतों के ऊपर, जो गरीब लाचार औरतों के ऊपर, ऐसे आपका मिनिस्टर पहले और एक मिनिस्टर भी किया और एक MLA भी किया था ऐसा, तो ये लिम्बावली अरविंद लिम्बावली भी ऐसा ही किया था। ये जो लाचार जो गरीब जो औरतें आपके पास कुछ मांग लेके आते हैं तो ऐसा बिहेव करते हैं, ये कंडमनेबल है। इसमें सोमन्ना रिजिग्नेशन देना है। अभी क्या किया इनको, वो औरत को प्रेजर करके मुझे नहीं मारा ऐसा कहा जाता है, मगर पूरे सारा दुनिया देखा है TV में क्या हुआ था बोलकर। दूसरा और एक बात जो है, आजकल जो संघ परिवार का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये हलाल कट दीपावली के टाइम में हलाल कट झटका कट बोलकर लोगों को डिवाइड करने का जो काम कर ले करे, ये कंडमनेबल है। हजारों साल से ये जो प्रैक्टिस आता आ रहा है और मिसगाइड किया जाता है, मिसगाइड ऐसा किया जाता है तो ये जो कट करते हैं जो भी जानवर, वो अल्लाह के नाम पे कट करते हैं, वो हम लोग काना नहीं, वो अल्लाह को रखा हुआ ऐसा कुछ मिसगाइड करते हैं, वो ऐसा नहीं है, ये सरासर गलत है। क्योंकि अल्लाह के लिए अगर वो लोग ये करेंगे तो वो दूसरा किसी को खा नहीं सकता, खुद का घर में वो खा नहीं सकता, वो यानी कि देना पड़ेगा, जो गरीबों को बांटना पड़ेगा, ये गलत है। ऐसा जो ये लोग गलत गलत अफवाह करके जो डिवाइड कर कम्युनिटी को डिवाइड करने का कोशिश कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कुछ एजेंडा नहीं है। एक तो डेवलपमेंट नहीं है, दूसरा क्या है, जो भी बजट में इन लोग बताया गया अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तीसरा 40% कमीशन ये लोग ले रहे हैं, पूरा कुल्लम कुल्ला हो गया, यानी टोटली एडमिनिस्ट्रेशन में फेलू रहने की वजह से ऐसा हिंदू मुस्लिम का इश्यूज लेके लोगों को डिवाइड करने का कोशिश करते हैं। इसको हम कंडम करते हैं, इसको स्टॉप करना है। जो भी ऐसा करते हैं हम डिमांड करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट कहाँ है, सोया हुए क्या? पुलिस डिपार्टमेंट एक्शन पूरा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के ऊपर होता है, क्यों इनका पार जो इनका एक मिनट इनका ऊपर क्यों नहीं होता है, इनका ऊपर एक्शन क्यों 153A अप्लाई क्यों नहीं होता है, 295A क्यों अप्लाई नहीं होता है? मैं अपील करता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट से, ऐसा कम्युनल डिबेट करने का लोग, जो नफरत फैलाने का लोग, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्शंस दिया है, सुमोटो केस लेना है, सुमोटो केस लेकर इनको कंट्रोल करना है। ठीक है, कुछ लीडर को केस किया है तो उसके बारे में क्या कह रहे हैं? देखिए ऑलरेडी आप वो जो एक मंगलोर में एक FIR में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का चंद लोगों को FIR में मिला गया है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी ADGP कर्नाटक आलोक कुमार साहब से मिले हैं और बात किए हैं, उन्होंने डायरेक्शंस दिया है, ये मिस हो के कुछ ये होगा इनको हम आइंदा दिन में उनको हम विथड्रा कर लेंगे, उनको अरेस्ट नहीं करेंगे, ये वादा वो लोग किए हैं। तो हम अपील करते हैं जो भी डिपार्टमेंट को, जो गवर्नमेंट को, एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो पॉलिटिक्स करता है और आवाम के साथ काम करता है, जो इलेक्शन में फेस करता है, ऐसा जो पॉलिटिकल पार्टी को हरास करना ये एंटी डेमोक्रेटिक है। आइंदा हम पुलिस डिपार्टमेंट को अपील करते हैं, आप जो भी
जो भी जो कार्यवाही करेंगे सोच समझ कर करना है।